तो इस क्लास में हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाले कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। तो आइडिया ये है कि बेसिकली एजी सीएल जैसी जो चीजें हैं जब ये डिसॉल्व होती है तो एजी प्लस और सीएल माइनस देती हैं, इसका भी इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। और इसका जो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट होता है उसको हम केएफसी कहते हैं, ठीक है। जैसे इसकी इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट ये एग्जैक्ट नहीं है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10^-10 मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर, तो -10 हो जाता है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि जब इस इक्विलिब्रियम को देखें तो ये तो सॉलिड है और ये दोनों एक्वस हैं। तो अगर मान लो क्या कहते हैं AgCl की सॉलिबिलिटी SS है और प्योर वाटर में AgCl डाला तो इसकी सॉलिबिलिटी कितनी हो जाएगी S, इसकी हो जाएगी S और यहां से कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इनटू Cl माइनस इज इक्वल टू KSP करेंगे तो इक्विलिब्रियम पे S स्क्वायर इज इक्वल टू KSP हो जाएगा। इसको हम लोग जनरलाइज कर लेते हैं, हम कहते हैं अगर AxBy टूट करके XA प्लस YB देंगे, ठीक है, तो अगर इसकी सॉलिबिलिटी S मोल पर लीटर होगी तो A के XS मोल पर लीटर हो जाएंगे और B के YS मोल पर लीटर हो जाएंगे और फिर KSP की वैल्यू XS की पावर X इंटू YS की पावर Y आ जाएगी। यहां से KSP पता हो तो S निकल के आ जाएगा, S पता हो तो KSP निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह के सवाल हो सकते हैं कि जैसे मान लो कोई कहे कि Al2SO4 होल थ्राइस की सॉलिबिलिटी मुझे पता नहीं है पर जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल 0.01 मोल पर लीटर है, 0.02 कर लेते हैं, तो हम तुरंत क्या करेंगे जब ये डिसोसिएट होगा तो अगर 0.02 मोल पर लीटर है तो कितने एल्यूमिनियम आयन देगा, एक मोल ऑफ दिस चीज पे 2 Al आयन, ठीक है, तो ये 0.04 मोल पर लीटर हो जाएगा और सल्फेट आयन एक मोल पे 3 मोल है इसलिए 0.06 हो गया। तो ये बेसिकली मेरा XS हो गया, ये YS हो गया। अब अगर हम इसका इक्विलिब्रियम लिखेंगे तो 2 Al C प्लस 3 Sulfate C- है, तो सॉरी 2- है, तो यहां पर KSP की वैल्यू हो जाएगी 0.04 की पावर 2, 0.24 की पावर 2 और 0.06 की पावर 3। ये बेसिक करने का तरीका है। अब जो हम लोग फॉर्मूला लिख रहे थे उसके हिसाब से ये 2 × 0.02 की पावर 2 था और 2 × 0.02 की पावर 3 था, तो यहां से 2 × 3 × 0.02 / 5 निकल गएगा। चाहे ऐसे लिखो या वैसे लिखो दोनों से सेम KSP आ जाएगा। अगर ऐसे ही KSP पता होता तो हम सॉलिबिलिटी लिखा लेते। ये सिंपल सी चीज है। अब यहां पर लगने लगा कॉमन आयन इफेक्ट, सॉरी कॉमन आयन इफेक्ट से पहले एक और चीज बता दूं। अब कहते हैं कि मान लो जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मान लो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की सॉलिबिलिटी का या केएफपी मान लो पीएच निकालना तो अलग बात है, मान लो जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल 10^-4, ठीक है। तो ऐसा सवाल आएगा कि 0.01 मोलर MgCl2 का सोल्यूशन है 50 ml और 0.02 मोलर NaOH का सोल्यूशन है 50 ml, ठीक है। अब हमें बताना है कि क्या ये सोल्यूशन आपस में मिल करके तो मिलाए जाएंगे तो क्या ये MgOH होल ट्वाइस का प्रेसिपिटेट देंगे या नहीं देंगे, ठीक है। एक मिनट रुक जाते हैं, दिख रहा है बढ़िया। तो यहां पर लोग गलती क्या कर देते हैं, सामान्य रूप से लोग ये कंसंट्रेशन ले लेते हैं, जैसे मैं ये कंसंट्रेशन ले लूं तो MgOH होल ट्वाइस के लिए Mg2+ का कंसंट्रेशन OH- का स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 0.01 × 0.2 का स्क्वायर, तो ये 4 × 10^-4 है जो कि ग्रेटर देन केएफपी है, इसलिए तुम कह दोगे कि भाई इसका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। लेकिन ये पूरा का पूरा लॉजिक गलत है क्योंकि ये सोल्यूशन नहीं मैं ले रहा हूं, ना ही मैं ये सोल्यूशन ले रहा हूं। जब मैं दोनों को मिक्स कर देता हूं तो क्या हो जाता है,
उसमें Mg2+ का जो कंसेंट्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 0.01 × 50/100। ये क्यों हो गया? क्योंकि पहले 50 ml MgCl2 था, लेकिन अब वो 50 ml नहीं है, अब उसमें 50 ml पानी और मिला दिया गया जिसमें मैग्नीशियम आयन नहीं है, उसे OH- माइनस आयन है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो Mg2+ का कंसेंट्रेशन कितना जाएगा? 5 × 10⁻³ अगर मैं ऐसा कहना चाहूं तो। ठीक है ना, और ऐसे ही OH- का कंसेंट्रेशन 0.2 नहीं होगा, क्योंकि फिर OH- का कंसेंट्रेशन हो जाएगा 0.2 × 50/100। ठीक है, जो कि 0.1 हो जाएगा। और अब जब मैं Mg2+ OH- का स्क्वायर करूंगा तो ये 5 × 10⁻⁵ हो जाएगा। ठीक है, तो हमें सल्यूशन मिलाने के बाद इसलिए प्रेसिपिटेट देखना चाह रहे हैं कि होगा कि नहीं होगा, उस चीज की कंसंट्रेशन निकाल लेना, पहले कितने कंसंट्रेशन थे इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक मेजर गलती का कारण है जो लोग कर लेते हैं। ठीक है, अदरवाइज कोई समस्या नहीं थी, बेसिकली इसका कंसंट्रेशन निकालना, दूसरा कंसंट्रेशन निकालना था, और अगर आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन KSP होता तो कह देते प्रेसिपिटेशन हो जा रहा है, अगर आयनिक प्रोडक्ट लेस देन KSP होता तो पूछ लेते कि नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद तीसरा सवाल जो है वो है कॉमन आयन इफेक्ट का। ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट क्या है? बेसिकली कि अगर मेरे पास MgOH होल ट्वाइस का KSPH का 10⁻⁴ है, ठीक है, अब मेरे पास एक pH 3 का बफर है, pH 3 मैं देखो तो इसको छोटा नंबर कर लेता है, कैलकुलेशन आसान हो जाए, 10⁻⁸ का सोल्यूशन है। ठीक है, और pH 3 का बफर है, ठीक है, तो मैं पूछूंगा कि इसमें अगर मैं एक्सेस ऑफ MgCl2 डालूं, ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम Mg2+ का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? ठीक है, तो इस सरल सी बात है, Mg2+ का कुछ कंसंट्रेशन हो जाएगा, उसको x मान लेते हैं, दिस इनटू OH- का स्क्वायर 10⁻⁸ होना चाहिए, pH 3 का बफर है, इसका मतलब यहां पे OH- का कंसंट्रेशन 10⁻⁴ होगा, गलत बोलेगा, pH 3 की जगह इसको pH 11 कर लेते हैं ना, भूल गया था। ठीक है, तो OH- 10⁻³ है, तो ये 10⁻⁶ हो जाएगा, और इसलिए x की वैल्यू 10⁻²। ठीक है, ये सवाल हो गया। ठीक है, उसके अलावा जो क्वालिटेटिव सवाल है वो तो मैं तुमको बता ही दिया कि अगर मान लो मेरे पास MgCl2 का सोल्यूशन हो या NaOH का सोल्यूशन हो, दोनों में ही MgOH होल्ड वाइज की सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी, बिकॉज पहले से Mg2+ आयन है, पहले से ये तुम्हारे पहले से OH- आयन प्रेजेंट है, लेकिन अगर मान लो मेरे पास कोई एसिटिक एसिड का सोल्यूशन हो तो उसमें MgOH होल्ड वाइज की सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी, बिकॉज जो OH- आयन डिजॉल्व होकर के आएंगे वो एसिटिक एसिड से रिएक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो और बेसिकली जो मेरा A गिव्स B+C टाइप का रिएक्शन हो रहा है उसमें B और C अगर पहले से प्रेजेंट है तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, सॉलिबिलिटी घट जाएगी, अगर B और C किसी तरीके से गायब हो जा रहे हैं तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी, इस तरह के सवाल हो जाएंगे। तो इसके साथ हम ये क्लास खत्म करते हैं, छोटी सी क्लास की, सवाल करके देखते हैं उसमें क्या होता है बताएंगे। तो लोग 3 प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला सवाल यह है कि 4 फॉल्ट दे रखे हैं, मुझे बताना है कि इनमें सबसे ज्यादा सॉल्युबल क्या है। तो एक तो जो लोग गलती करते हैं वो ये सोचते हैं कि हम KSP देख करके बता दे सकते हैं कि कौन ज्यादा सॉल्युबल है, जो यूजफुल है अगर हम सेम से सॉल्ट की बात कर रहे हैं, जैसे कॉपर का सल्फाइड और मैंगनीज का सल्फाइड दोनों ही एक्स और वाई दोनों के सेम है, तो इनके लिए S² = KSP होगा, जिसका KSP ज्यादा है उसकी सॉलिबिलिटी भी ज्यादा होगी। मतलब मैं जैसे यहां पे कह सकता हूं कि डेफिनेटली मैंगनीज सल्फाइड कॉपर सल्फाइड से ज्यादा सॉलिबल है, तो हमें ये तो देखने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, दूसरी बात क्या है, हम देखा तुम लोगों की कॉपियों में लोग सोल्यूशन कर रहे हैं तो इनको सॉल्व करने लगते हो, सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने इसको देखा तो मैं कह रहा हूं S² 7 × 10⁻⁶ है,
इसका मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी 10^-8 के ऑर्डर की है। यहां पर Ag2S में S3 टाइप का टर्म हो जाएगा, तो इसकी सॉल्युबिलिटी 10^-16 होगी, चाहे 10^-17 होगी, तो वो 10^-8 के बहुत अंदर चलिए ना, तो फिर इसको भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बिस्मथ सल्फाइड में क्या हो जाएगा, कुछ 10^-35 जो है वो एस की पावर 5 जैसी चीज हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप होशियार हो तो आप क्या देखोगे कि यहां पर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब इंटू 10^-5 = 10^-35। अब इस चीज को यहां भेजेंगे तो क्या नंबर आ गया, ये नंबर करीब करीब 108 हो गया, तो ये 10^-37 हो गया। ठीक है, अब ये नंबर इतने करीब करीब हैं, क्योंकि अगर मैं रूट लूंगा पावर 5 लूंगा तो 10^-37 को पहला काम तो क्या करना है मुझे, 10^-3 × 10^-40 कर देना। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे फिफ्थ रूट लेना है, तो ये करना पड़ेगा। तो यहां नंबर मेरे पास आ गया 10^3/5 यानी कि फिफ्थ रूट ऑफ 1000, और यहां पे आ गया × 10^-8। तो मैंने जानबूझ करके नंबर ऐसे दिए कि ये भी 10^-8 का ऑर्डर का है, ये भी 10^-8 का ऑर्डर का है, इसलिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर मान लो मैंने इसको 10^-35 यहां पर 10^-30 दे दिया होता तो समस्या ही नहीं होती, क्योंकि मोस्ट सॉल्युबल वैसे ही हो जाता, बिकॉज ये 10^-7 का ऑर्डर का हो जाता, जो कि ऑब्वियसली 10^-8 से मोर सॉल्युबल होता। ठीक है, तो अगर ये नंबर 10^-30 होता तो मुझे इस कैलकुलेशन की आवश्यकता ना पड़ती, अगर ये नंबर 10^-40 होता तो मुझे इस कैलकुलेशन की आवश्यकता ना पड़ती। अब मैंने जानबूझ करके ऐसा सवाल दिया है जहां पे एक्चुअली कैलकुलेट करना पड़े। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस नंबर को और रूट 7 को कंपेयर करना है, तो इस नंबर की पावर 5 है 1000 और रूट 7 की पावर 5 कितनी हो जाएगी, रूट 7 का स्क्वायर 7, रूट 7 की पावर 4 49 और 49 की पावर 49 इंटू रूट 7 और करेंगे तो रूट 7 कितना हो जाएगा, 3 से थोड़ा छोटा ही नंबर होगा, तो 49 इंटू 3 करेंगे तो 150 से थोड़ा छोटा नंबर आएगा, तो ये नंबर आएगा 1000 के ऑर्डर का, जबकि उसकी पावर 5 जो आ गई वो 150 से छोटी है, इसलिए 1000 बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, यानी कि रूट 7 वाला टर्म छोटा है, ये नंबर बड़ा है, इसलिए ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, वे एक्चुअली भगवान ने चाहा तो ऐसा सवाल कोई देगा नहीं, क्योंकि कोई आदमी इतना कैलकुलेशन कराना नहीं चाहता, पर अगर कराना भी हो तो भी हमें ये नहीं सोचना है कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे अंदाजे से, बिकॉज ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा ना कि एक की सॉलिबिलिटी 1.07 × 10^-8 हो और दूसरे की 1.073 × 10^-7, ऐसा सवाल तो कोई नहीं ही देगा। ठीक है, एटलीस्ट अगर मान लो 10^-7 और -7 कंपेयर भी कर गए तो, या 10^-8 × 10^-8 कंपेयर भी कर गए तो कम से कम डिजिट्स में तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा। अच्छा, दूसरी बात क्या है, ये जो सवाल है इसकी सॉलिबिलिटी के सवाल में लोगों ने गड़बड़ करी, मैंने गलत सवाल लिख दिया, मुझे ढंग से ये क्वेश्चन नंबर 3 पहले लिखना चाहिए था, क्वेश्चन नंबर 2 बाद में लिखना चाहिए था, तो हम लोगों को थोड़ा सा अलग अलग सीक्वेंस लिखना था। ठीक है, तो ये बेसिकली सवाल कॉमन आयन इफेक्ट का है, मेरा रिएक्शन क्या हो रहा है, AgCl gives Ag++Cl-, लेकिन टू बिगिन विद Ag+0 नहीं है, यानी कि पहले से ही 0.001 है। अब जब S मोल पर लीटर ऑफ AgNO3 डिसॉल्व होगा तो Ag प्लस का कंसेंट्रेशन 0.001+S हो जाएगा और ये S हो जाएगा, इसलिए इनका प्रोडक्ट S स्क्वायर नहीं होगा, इनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, S इंटू 0.001+S, ठीक है, = 10^-10। ठीक है ना, अभी क्या हुआ कि कॉमन आयन इफेक्ट ना लगता तो सॉल्युबिलिटी 10^-10 थी, तो -5 थी,
अब चूंकि तुम इसको ऑब्वियसली पहले से एजी प्लस आयन है तो सॉल्युबिलिटी कुछ कम ही हो गई होगी, यानी कि एस की वैल्यू 10^-5 से कम है, ये तो मैं जानता ही हूं। ठीक है, तो 0.001 के सामने 10^-5 से छोटा नंबर ऐड किया तो क्या फायदा, नहीं दिया तो क्या फायदा, इसलिए हम इस एस को नेग्लेक्ट कर सकते हैं और अब एस की वैल्यू हो जाएगी 10^-10 अपॉन 10^-3 10^-7। पॉज कर दो इसको। अब जब हम लोग कैल्शियम क्लोराइड के सोल्यूशन में डिसॉल्व कर रहे हैं तो सेम लॉजिक लगाएंगे, AgCl प्लस Ag+ प्लस Cl-। ठीक है, अब बच्चे क्या गड़बड़ कर दे रहे हैं कि यहां पर क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन 0.01 ले रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। कैल्शियम क्लोराइड में दो क्लोराइड हैं, तो अगर 0.01 मोल कैल्शियम क्लोराइड डिसॉल्व होगा तो क्लोराइड का कंसंट्रेशन 0.02 हो जाएगा, तो ये जीरो होगा, ये 0.02 होगा, ये मेरी इनिशियल स्थिति हो गई। जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो ये एस हो जाएगा, ये 0.02 प्लस एस हो जाएगा, लेकिन एस और एस से पहले कैसे नेगलिजिबल होगा, तो ये 0.02 ही रहेगा, इसलिए 0.02 इनटू एस इज इक्वल टू 10^-10 करके एस की वैल्यू 5 × 10^-9 इसको लिखेंगे 10^-10 अपॉन 0.2 × 10^-1, तो 1/0.2 5 हो गया और इनटू 10^-9। ठीक है ना, -8 हो गया, तो ये हो गए हमारे 3 सवाल।